नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश के बारे में। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हाल ही में नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब शिक्षकों के पास टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका मिला है। इस बाबत अजय कुमार एवं अन्य की तरफ से हाल ही में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका को निष्पादित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि नियोजित शिक्षक भी बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में व्याख्याता यानी कि लेक्चरर बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला है क्या, तो हम आपको ये बता दें कि साल 2016 में सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके लिए बिहार सरकार ने विद्यालयों में न्यूनतम 3 साल से काम करने वाले शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। विज्ञापन और प्राप्त आवेदनों के आधार पर आयोग की तरफ से लगभग 2 साल बाद साल 2018 में लिखित परीक्षा ही ली गई थी, लेकिन लिखित परीक्षा के उपरांत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों के दायरे से बाहर करते हुए परिणाम घोषित करने को कह दिया था। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ ही पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को भी निष्पादित करने का आदेश जारी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब अगले 2 महीने के अंदर अंदर नियोजित शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के परिणाम को प्रकाशित करने का आदेश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार की एकलपीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता पीके शाही सेवा संवर्ग नियमावली 2014 और विज्ञापन संख्या 6/2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए दलील दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने अब सहमति जता दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान समय में राज्य में कुल मिलाकर 66 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, और इसके साथ नई शिक्षा नीति 1986 को लागू होने के बाद जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अस्तित्व में आए। 1990 के दशक में लगभग सभी संस्थानों पर ताले लग गए थे, जिसके बाद साल 2012 में सभी बंद पड़े शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया और इन्हीं संस्थानों से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत अर्हताधारी नियोजित शिक्षकों को काफी राहत मिली है, जिसके बाद से सभी शिक्षकों के चेहरे पर खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब मात्र 2 महीने के अंदर ही परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।